आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। टक्कर में आमना सामना होगा आज एनडीए और यूपीए के दो पूर्व मंत्री, मौजूदा सांसद और अपने अपने क्षेत्र में माहिर। हमारे साथ जयंत सिन्हा जी, मौजूदा सांसद जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, मनीष तिवारी जी, मौजूदा सांसद कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। आप दोनों को ये एक बार याद दिलाते हुए और पूरे देश को भी कि आज भी जब हम कोरोना पर ये चर्चा कर रहे हैं, मजदूरों की त्रासदी पर चर्चा कर रहे हैं, आर्थिक पैकेज पर चर्चा कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 85,000 के पार है कोरोना के मामले देश में। 24 घंटे में 4,000 नए मामले जुड़े हैं और 24 घंटे में 103 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 मजदूरों की लेकिन मौत औरैया के हादसे में हुई है। जयंत सिन्हा जी, आपसे शुरुआत करते हुए, क्या इस आर्थिक पैकेज के जरिए इस त्रासदी का अंत होगा जो मजदूर सड़कों पर, हाईवे पर, अलग अलग जगहों पर झेल रहे हैं? मेरा सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी ने सीधे हमला किया है और कहा है सरकार साहूकार की तरह काम नहीं कर सकती, ऋण मत दीजिए, सीधा पैसा दीजिए मजदूरों की जेब में ताकि वो मुकाबला कर सके इस मुश्किल घड़ी का। आपका जवाब। अंजना जी नमस्कार। जहां तक प्रवासी मजदूरों का सवाल है, मैं सबसे निवेदन करूंगा और आदरपूर्वक श्री राहुल गांधी जी, श्री मनीष तिवारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय पे हम राजनीतिक जंग ना करें। ये इंसानियत का मामला है और हमें कोशिश करना है कि सब जो हमारे भाई बहन प्रवासी मजदूर आज के समय फंसे हुए हैं, रास्तों पे हैं, कि इनको हम लोग राहत पहुंचाएं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, चाहे वो 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज है उसके द्वारा, या समाज सेवक होने के नाते हम सब लोगों के जो प्रयास और प्रयत्न रहे हैं सड़कों पे, क्वारंटीन कैंप में, गांव में, हम लोग इन लोगों को भोजन दिलवा रहे हैं, इन लोगों को राशन का किट दिलवा रहे हैं, सत्तू दिलवा रहे हैं, जहां जहां हम लोग इन लोगों को राहत पहुंचा सकते हैं हम लोग अवश्य इन लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। और सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इन्हें सुरक्षित, हम लोग चाहे वो शहर में हो या कहीं गांव में हो, उन्हें सुरक्षित हम लोग अपने घर पहुंचा दें। और जब भी वो अपने घर पहुंचे तो आप देखिएगा कि राहत का जो पैकेज है, जो इस 20 लाख का जो पैकेज है, इसमें जो हम लोगों ने राहत के लिए इन लोगों के लिए किया है वो काफी कुछ किया है। जहां तक अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र को देखें तो आज के समय हर ग्रामीण परिवार को, कृषि परिवार को करीब 10-11 हजार रुपए सीधे इनके बैंक के खाते में मिला है। 75,000 करोड़ गए हैं सब लोगों को फसल के लिए, करीब 19,000 करोड़ गए हैं किसान सम्मान निधि के द्वारा, 6,000 करोड़ गए हैं फसल बीमा के द्वारा। तो इसलिए पिछले 60 दिनों में हर किसान परिवार को, और करीब 9 करोड़ किसान परिवार हैं, उनके बैंक के खाते में 10-11 हजार रुपए उनको मिल चुके हैं। जो लोग शहरों में हैं वहां जनधन के द्वारा, पेंशन के जरिए और साथ साथ राशन की व्यवस्था के द्वारा हम लोग सब लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। श्रमिक स्पेशल हमारी ट्रेनें चल रही हैं जिसमें कि जल्द से जल्द लोग अपने शहरों से, जहां जहां वो लोग हैं वहां वो लोग गांव तक पहुंच सकें। तो जहां बसों की जरूरत है वहां हमारी सरकारें बसों का उपलब्धि हम लोग करवा रहे हैं। तो जहां भी इंसानियत के तौर पे, मानवता के तौर पे जो भी राहत पहुंचा सकता है आदमी, आज हमारी सब सरकारें कर रही हैं। और मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की सरकारों की भी बात कर रहा हूं, मैं टीएमसी की भी सरकार की बात कर रहा हूं, क्योंकि इंसानियत का मामला है। हम लोग सब समाज सेवक हैं, हमें मेहनत करनी है, कोशिश करना है कि हम लोग राहत पहुंचाएं, जिसमें कि जो हमारे भाई बहन सड़क पे हैं वो आज इस तरीके से त्रस्त ना रहे। तो फिर मनीष तिवारी जी, साहूकार की सरकार कहने की क्या जरूरत है अगर ये तमाम पहल सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं? क्या जवाब होगा? अंजना जी, पहले तो मैं श्री जयंत सिन्हा जी को बहुत विनम्र पूर्वक ये याद दिलाना चाहता हूं कि किसी से जवाबदारी मांगना सियासत नहीं होती। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज से नहीं, 28 मार्च से जब से ये लॉकडाउन टूटा है और लाखों लाख मजदूर पैदल अपने घर वापस जाना उन्होंने शुरू किया है, शहरों से पलायन शुरू हुआ है, हम तब से ये कहते आ रहे हैं कि भारत के विभाजन के बाद जो पूर्वी पाकिस्तान का रिफ्यूजी क्राइसिस था, उसके बाद ये सबसे बड़ी मैन मेड मानवीय आपदा है जो हमारे देश के ऊपर टूटी है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि 28 मार्च से लेकर आज 15 मई हो गई, 16 मई हो गई, क्यों सरकार ने
बसों का इंतजाम नहीं करवाया इन लोगों को घर पहुंचाने के लिए। वित्त मंत्री ये कहती हैं कि इस देश में 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे जो श्रमिक स्पेशल्स हैं वो श्रमिक स्पेशल्स ने 10 लाख लोगों को ट्रांसपोर्ट किया है। मैं ये मान लेता हूं कि उसमें से 4 करोड़ लोग, 4 करोड़ जो प्रवासी हैं वो वहीं रुक गए जहां थे। वैसे 2011 के सेंसिस के हिसाब से 8 करोड़ प्रवासी मजदूर नहीं है, 11 करोड़ हैं, और 2011 और 20 के बीच ये आंकड़ा कई गुना बढ़ गया होगा। तो पर अगर उनका आंकड़ा मान भी ले तो आपने 10 लाख लोगों को ट्रांसपोर्ट किया है, बाकी 3 करोड़ 90 लाख का क्या हो रहा है? वो सड़कों पर धक्के क्यों खा रहे हैं? उनको हजारों किलोमीटर चल के अपने घर क्यों जाना पड़ रहा है? क्यों रेलगाड़ी के नीचे कुचले जा रहे हैं? क्यों बसों के और ट्रकों के नीचे कुचले जा रहे हैं? और जब आप राहत पैकेज का ऐलान करते हैं, पहले तो वो राहत पैकेज नहीं है, वो लोन मेला है। जब भारत को सर्वाइवल पैकेज की जरूरत थी तो आपने लोन मेला लगा दिया, और उस लोन मेले में से भी 3,500 करोड़ गेहूं बनाम चावल बनाम चने के तौर पर आपने इन 8 करोड़ लोगों के लिए रखा है। तो आप उनको क्या संदेश भेज रहे हैं कि बेटा अगर तुम सुरक्षित घर पहुंच गए, अगर तुम किसी ट्रक के नीचे नहीं आए, किसी रेलगाड़ी के नीचे नहीं कुचले गए और अपने घर सुरक्षित पहुंच गए, अगर भगवान आपके साथ रहा, अगर कुदरत ने आपका साथ दिया, तो आपके लिए 7 रुपए 20 पैसे प्रतिदिन के चावल या गेहूं और चना मौजूद है, खाओ और मौज लो। ये संवेदनशील सरकार है। अंजना जी, आप बात करते आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर भारत किसके लिए? आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि आखिरी कतार में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति आप उसका ख्याल रखें, और आपने करोड़ों मजदूरों को अपने हाल पे छोड़ दिया। आपने जो 12 करोड़ सबसे नीचे के परिवार हैं उनको पैसा देने के लिए उनको कहते हैं कि आप ऋण लीजिए, ये किस तरह की असंवेदनशीलता है? हमको तो समझ नहीं आ रहा कि ये ठीक है, सरकार कर क्या रही है। ठीक है, सीधे आपकी संवेदनशीलता पर वो चोट कर रहे हैं जैन जी, और जो तमाम कदम आप उठा रहे हैं, अभी भी एक बहुत बड़ा फासला है जो असल आंकड़े हैं इन मजदूरों के और जो कदम आप उठा रहे हैं, फिर भी ये सड़कों पर दिख रहे हैं। कहां पर चूक हो रही है, क्या समझ में आ रहा है? क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि इतने करोड़ों करोड़ लोग को अचानक घर पहुंचा दिया जाए, या फिर कमी है राज्य केंद्र के समन्वय, कहां पर प्रॉब्लम है? हमें सब लोगों को इसमें मेहनत करनी है। देखिए, जहां तक राहत का मामला है, जैसे मैंने कहा कि शहर में जनधन के द्वारा, पेंशन के द्वारा, राशन के द्वारा जहां जहां लोग हैं उन लोगों को हम लोग राहत पहुंचा रहे हैं, और शेल्टर कैंप में और जो हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं उसमें से, जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है, 11,000 करोड़ हम लोगों ने खर्चा भी किया है, लोगों को हम लोगों ने राहत पहुंचाई है। और जैसे अभी मनीष जी बता रहे थे कि करीब 11 करोड़ अगर प्रवासी मजदूर हैं तो बहुत सारे आज के समय शहर में हैं क्योंकि उनको राहत मिल रही है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्र का सवाल है, जैसे मैंने पहले ही बताया, हर परिवार को 10-11 हजार रुपए सीधे उनके बैंक के खाते में गया है, इसमें कोई साहूकार की जरूरत ही नहीं थी, तो सीधा कैश इनके बैंक के खाते में गया है। और साथ साथ नरेगा की भी हम लोगों ने उपलब्धि दी है, जिसको जितना काम करना हो ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा के द्वारा वो लोग कर सकते हैं। 202 रुपए का अब हम लोगों ने उसका दिहाड़ी कर दिया है, तो वहां भी लोगों को कैश सीधा उनके बैंक के खाते में मिल रहा है। तो राहत पैकेज तो पूरी तरीके से हम लोगों ने इसकी व्यवस्था करवा दी है, लेकिन अब दुखद बात तो ये है ना कि लेकिन अभी भी आम जनता में कई विषयों पे बहुत भ्रम है, संदेह है, और उनको डर भी है कि कहीं कोरोना बीमारी उनको ना ले जाए, और अगर उनको रहना भी है, कहीं भी रहना है, तो आज वो सुरक्षित ग्रामीण क्षेत्र में है। तो ये एक बड़ा एक मतलब आप समझिए कि एक एपिक मतलब इतने विराट स्केल पे ये लोग अब डर के छोड़कर घर जा रहे हैं कि इसमें बस अब हम लोगों को उनको मदद करनी चाहिए, ना सिर्फ शिकायत करें, हम उन लोगों को ट्रेन की राहत उनको दें, उनको बस की राहत दें, जो भी उनको हम लोग साधन उपलब्ध करवा सकते हैं अब हम लोगों को ये करवाना है। और जो भ्रम है, लोगों का जो डर है, लोगों की जो चिंता है,
उसको हम लोगों को दूर करना चाहिए, वो हम लोग कर रहे हैं। एक एक हम लोग व्यक्ति हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। आज सुबह ही मैंने 10-15 फोन कॉल मैंने हजारीबाग किए, जिसमें कि लोग सड़कों पे हैं, हमारे दो बड़े बड़े नेशनल हाईवे हैं। हमने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को यही कहा कि जहां भी आप लोगों को रोक रोक कर पानी हो, सत्तू हो, चावल हो, जो भी कुछ आप पहुंचा सकते हैं आपको पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे समाज को इस काम में लगना है। ये राजनीति का विषय नहीं है, जैसे मैंने कहा ये मानवता का विषय है। लोगों के मन में एक चिंता है, एक भ्रम है, वो घर वापस जाना चाहते हैं, राहत उनको मिल रही है शहर में, ग्रामीण क्षेत्र में भी राहत मिल रही है, हम लोग उनको ट्रांसपोर्टेशन की भी हम लोग उनको सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन जो उनके मन में जो है उसको भी हम लोगों को दूर करना है। वो सिर्फ एक कोई हम लोग सरकारी तौर पे से नहीं कर सकते, इसे सामाजिक तौर पे हमें करना पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगा मनीष जी से, मैं कांग्रेस के सब अपने मित्रों से, और चाहे वो विपक्ष में हो चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, सब लोगों को अब इस काम में लग जाना है, क्योंकि लोगों में जो अभी डर है उस डर को हम लोगों को हटाना है। सब साधन उपलब्ध हैं, उनकी सरकारें भी दे रही हैं, हमारी सरकारें भी दे रही हैं। हमें लोगों की चिंताओं को दूर करना है, जहां है उनको वहीं राहत पहुंचाना है, और ये हमारी पार्टी, हमारी सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। एक जवाब मैं आगे लेकर ही आगे बढ़ूंगी। मनीष जी ने जो एक सवाल पूछा कि क्या बसों और ट्रेनों के ऐलान में देरी हुई, इस सवाल का जवाब देखिए, अब उस विषय पे मैं तूतू मैमा में नहीं आना चाहता हूं। सबको मालूम है कि मैंने खुद हजारीबाग रामगढ़ अपने जिले में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को 60,000 लोगों की सूची भेजी है, 20,000 लोग सिर्फ मुंबई में हैं, और मैंने उनसे निवेदन किया है कि आप ट्रेन का आदेश दे दें। राज्य सरकार तैयार है, रेल मंत्रालय तैयार है, सिर्फ झारखंड सरकार आदेश दे, चिट्ठी लिखे और उनकी व्यवस्था क्वारंटीन का कैंप कर ले, तो जो 60,000 लोग हजारीबाग रामगढ़ के हैं वो वापस झारखंड लौट सकते हैं। वैसे ही 6,00,000 और लोग हैं जिन्होंने सूची दी हुई है, झारखंड के सरकार के पोर्टल पे दी हुई है, लेकिन जब तक झारखंड सरकार ट्रेनों के लिए आदेश नहीं देगी तो वो ट्रेन नहीं चल सकती। ठीक है, यही से वो अगला सवाल कह दिया है कि ट्रेनें तैयार हैं, सब कुछ तैयार है। यही बात रेल मंत्री भी कह रहे हैं मनीष जी, जो राज्य सरकारें हैं उनकी जिम्मेदारी का क्या, वो सीधा कह रहे हैं कि जितनी ट्रेनें मैं दे सकता हूं उतनी ट्रेनें, चाहे झारखंड सरकार हो, चाहे पश्चिम बंगाल सरकार हो, पंजाब, उन्होंने 4 राज्यों का नाम लिया है, और वो साफ कह रहे हैं कि जितने ट्रेनों की मैं सहायता दे सकता हूं वो बुला ही नहीं रहे, मांग ही नहीं रहे, वो श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचा ही नहीं रहे उन ट्रेनों से, तो राज्यों की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? अंजना जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो त्रासदी है वो आज तो शुरू नहीं हुई, लॉकडाउन तो 28 मार्च को ही टूट गया था, 24 मार्च को लॉकडाउन लगा, 28 मार्च को टूट गया, और दिल्ली में जिन अफसरों ने उन श्रमिकों को राहत देने की कोशिश की, उनको बसें दी कि भाई आप आगे जा सके, आपने उनके साथ क्या किया, आपने उनको निलंबित कर दिया। 24 मार्च से आप इस पूरे मुल्क को गाइडलाइंस के तहत मनीष जी, एक काउंटर पॉइंट है, मनीष जी आपको टोक के एक काउंटर पॉइंट है, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, क्योंकि आपने दिल्ली का जिक्र किया है, तो वो एक्शन इसलिए लिया गया क्योंकि लॉकडाउन के नियम तोड़कर बिना तैयारी के उन्हें बॉर्डर पर पहुंचाया गया, अब वहां पर लोगों का हुजूम पहुंच गया जबकि आगे की तैयारी थी नहीं, तो उस त्रासदी को आपको समझना होगा, ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होना चाहिए। अगर डीटीसी बसों में भरकर मजदूरों को बॉर्डर पर पहुंचा दिया गया और वहां से आगे का इंतजाम ही नहीं था, तो आप भी मुझसे सहमत होंगे कि ये गलत कदम था। अंजना जी, दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, मैं दिल्ली की सरकार की हिमायत नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो व्यक्ति पैदल चल रहे थे, अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती थी? आपकी यही जिम्मेदारी बनती थी कि या तो आप उसको उनको रोकते, या आपकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि उनके जाने की व्यवस्था करते। आज भी तो आप जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप 28 मार्च से इस 24 मार्च से इस देश को एनडीएमए की गाइडलाइंस के तहत चला रहे हैं, आपको मालूम है कि आपके लॉकडाउन के बावजूद लाखों लाखों लोग घर पैदल चल के जा रहे हैं, कोई गेहूं के खेत से जा रहा है, कोई गन्ने के खेत से जा रहा है, क्योंकि सड़क पर आपकी पुलिस उनको पीटती है, उनको आप ब्लीचिंग पाउडर से नहलाते हैं। तो मुझे एक बात नहीं समझ आती कि उन एनडीएमए गाइडलाइंस के तहत आपने राज्य सरकारों को ये हिदायत क्यों नहीं दी कि आपके पास इतनी बसेज है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, प्राइवेट बसेज है,
उन आप सारी बसेस को कमांडियर करके एक राज्य के एक बॉर्डर से लेकर दूसरे बॉर्डर तक उनको पहुंचाने की व्यवस्था कीजिए, वहां से अगली राज्य सरकार उठा के अपने बॉर्डर तक पहुंचाए। आपको ये भी ये बात मालूम है कि जितने लोग सड़क पे निकले हुए हैं, आपका जो रेल नेटवर्क है, क्या आपका रेल नेटवर्क 3,90,00,000 लोगों को अपने घर तक पहुंचा देगा? जब से रेलगाड़ियां शुरू हुई हैं कितने लोगों को आपने घर तक पहुंचाया है? 10,00,000 लोगों को। और ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े आपके वित्त मंत्री के हैं। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये कहना हमने 10,00,000 लोगों को घर पे पहुंचा दिया है, 10,00,000 4 करोड़ में से 10,00,000, बाकी 3,90,00,000 को तो आपने सड़क पे छोड़ दिया। और आप मनरेगा की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे सियासत नहीं करना चाहता, पर उसी मनरेगा के बारे में प्रधानमंत्री जी ने जो लोकसभा में कहा था वो जग जाहिर है। आज आप उस मनरेगा का अगर सहारा ले रहे हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आंकड़े देखिए मार्च और अप्रैल के। मार्च में कितने मैनडेज काम जनरेट हुआ था, अप्रैल में कितने मैनडेज काम जनरेट हुआ है, 90% का उसमें गिरावट है। आपके पास वो सारे मस्टर रोल्स हैं, जॉब कार्ड्स बने हुए हैं, आप उनको अगले 2 महीने की वेज एडवांस क्यों नहीं दे देते? बाद में काम करवा लीजिएगा, आपके पास सारा डेटा है। आप लोन मेला लगाने की जगह जिस गरीब को सहायता की जरूरत है आप उसको ऋण देना चाहते हैं। ये किस तरह की आर्थिक नीति हम चला रहे हैं? ठीक है जैन जी, आप इस पर सीधा जवाब दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी का ये कहना, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि सीधे पैसा ट्रांसफर करने के बजाय ये लोन वाली क्या पॉलिसी है, लेकिन आप दोनों को जरा मैं कुछ दिखाना और सुनाना चाहती हूँ। मजदूरों के दर्द की कहानियां पूरे देश में बिखरी हुई है। भरतपुर में एक शख्स की साइकिल चोरी हो गई, वहीं पड़ी थी एक चिट्ठी। उस शख्स ने, उस मजदूर ने चिट्ठी लिखकर वहां पर साइकिल चुराते वक्त एक चिट्ठी छोड़ी। साइकिल से जाने वाले ने यह चिट्ठी लिखी है, नमस्ते जी, क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं, मेरा एक बच्चा है। आपका साइकिल मैं लेकर जा रहा हूं, मुझे माफ कर देना। उस बच्चे के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो विकलांग है, चल नहीं सकता है, हमें बरेली तक जाना है। आपका कसूरवार एक यात्री, मजदूर एवं मजबूर। ये चिट्ठी हम दिखा रहे हैं आपको, पढ़कर ही इंसान अंदर तक हिल जाए बिल्कुल, बेइंतहा दर्द है जैन जी। मतलब उस शख्स की परेशानी को समझिए, वो साइकिल चुरा रहा है, वहां ये चिट्ठी लिखकर छोड़ रहा है। मैं समझ रहा हूं जिना जी, हम लोग लोकसभा सांसद हैं, मनीष जी भी और हम भी, हम लोग दिन भर दिन रात लोगों से बात करते रहते हैं, हजारों लोगों के फोन आते हैं, हम लोग दिन रात ये दुख भरी कहानियां सुनते हैं और हम लोगों का दिल टूट रहा है इन सब बातों के कारण। और इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं भीख मांग रहा हूं इंसानियत के तौर पर, मैं भीख मांग रहा हूं कि आज के समय जो लोग हैं उनके लिए तो ट्रेन के लिए आप व्यवस्था करा दीजिए, उनको तो आप घर पहुंचा दीजिए। और जहां तक इतिहास का सवाल है, पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बसें चलाई, झारखंड की सरकार ने बसें नहीं चलाई। अब ये सब जो है इन पे हम लोग राजनीतिक तूतू-मैं-मैं नहीं करें, ये टोका टोकी नहीं करें। आज के समय एक इतनी बड़ी हादसा हो रही है, इंसानियत के तौर पे ये सब बातों को अभी हम लोग कुछ दिनों को छोड़कर हम लोगों को जल्द से जल्द जो लोग सड़कों पे हैं उन्हें राहत पहुंचाएं, उन्हें घर पहुंचाएं। आज हम लोगों को इस पे ध्यान देना है। आगे के समय जब आगे चुनाव आएंगे, बहस होगी, चर्चा होगी, भले हम लोग करें, आर्थिक पैकेज पे भले हम लोग बहस और चर्चा करें, लेकिन आज हम लोगों को सबसे जरूरी काम ये करना है कि हम लोगों को घर लोगों को पहुंचा देना है। घर लोगों को पहुंचाना है तो राज्य सरकारों की जवाबदेही और जिम्मेदारी पर आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया मनीष जी, कि आखिर राज्यों की क्या जवाबदेही है। भारतीय रेल अगर 105 ट्रेन रोज देने को तैयार है पश्चिम बंगाल को, और वो कहती है कि महीने में मैं इतनी ट्रेनें लूंगी, तो फिर ये जवाबदेही किसकी बनती है? क्योंकि राज्यों पर छोड़ा गया है, भारतीय रेल ट्रेन दे रही है, लेकिन राज्यों को आपस में समन्वय कर मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाना है। अंजना जी, चार अंजना जी, मैं एक आंकड़ा बस आपको दे दूं। बिहार ने 250 ट्रेनें चलाई हैं और आज तक झारखंड ने सिर्फ 48 ट्रेनें चलाई हैं। क्यों? मनीष तिवारी जी, अंजना जी माफ करना, ये जो त्रासदी हुई है ये केंद्र सरकार के कारण हुई है, मैं मजबूर हूं इस बात को कहने के लिए।
4 घंटे के नोटिस के ऊपर आप लॉकडाउन करते हैं, आपको मालूम है 93% लोग भारत में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ऑर्गेनाइज लेबर नहीं है, वो सुबह खाते कमाते हैं शाम को खाते हैं, और उनको ये भी मालूम है कि हमारे जो मालिक है वो हमारी बिल्कुल कदर नहीं करते, हमको ह्यूमन फॉडर की तरह समझते हैं, और वो इनको ये भी मालूम है कि कोई माई बाप सरकार नहीं है, कोई अदालत हमारी मदद करने नहीं आएगी, जब हमारे ऊपर पीड़ पड़ेगी तो हम अपने आप का ख्याल रखना पड़ेगा। मैं जैन जी से एक बात कहना चाहता हूँ। मनीष जी, एक सवाल मेरा है, एक सवाल उससे पहले मेरा है, आप जैन जी से सवाल पूछ लीजिएगा, लेकिन एक सवाल मुझसे भी पूछने दीजिए। लॉकडाउन डिक्लेयर करने का सही तरीका क्या है सर, आज बता दीजिए, क्योंकि ये बात बार बार सुन रहे हैं, लॉकडाउन ऐसे नहीं डिक्लेयर करना चाहिए था, क्या है सही तरीका? 4 दिन का नोटिस देते, पलायन कराते, 3 लाख से ज्यादा लोगों की विश्व में मौत हो गई है इस बीमारी से, और यहाँ पर लोगों का आमना सामना होना कितना बड़ा रिस्क है, इस बात का एहसास है आपको? लॉकडाउन लागू करने का सही तरीका क्या है मनीष जी, आप बता दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, अब आपने ये सवाल पूछ ही लिया है, भारत में पहला केस 30 जनवरी को आया था, आपने लॉकडाउन 23 मार्च को डिक्लेयर किया। जब आपने लॉकडाउन डिक्लेयर किया तो पूरे मुल्क में 341 केस थे, महज 113 जिलों में 7 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो आप इसको ठीक तरह से प्लान करके आप कह सकते थे कि देखिए हमको अगले 4 दिन में 5 दिन में लॉकडाउन डिक्लेयर करना पड़ेगा, और हमारी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप अपनी जगह रहें, पर अगर अपनी जगह नहीं रहेंगे रह पा रहे हैं तो ठीक है, आप घर चले जाइए, हम आपको घर जाने की व्यवस्था करवा देते हैं, एक संयोजित तरीके से घर जाने की व्यवस्था हो जाती। आज भी मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मैं जैन जी से कह रहा हूं, इनकी सरकार है, आप एनडीएमए के तहत ये आदेश क्यों नहीं देते कि हर राज्य सरकार का ये उत्तरदायित्व तो है कि हर राज्य सरकार अपनी बसेस को लगा के जितने मजदूर सड़क पे चल रहे हैं उनको अपनी सरहद से उठा के अगली सरहद तक पहुंचाए, अगली सरहद पर अगली सरकार बस लगाए, चाहे किसी की सरकार हो वो उनकी सरहद तक पहुंचाए, ये आप लोगों को घर तक पहुंचा सकते हैं। क्या भारत में पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलता है? क्यों मजदूर रेल के नीचे कट रहे हैं? क्यों रोड किल हो रही है, ट्रकों के नीचे आ रहे हैं? आप उनको पैकेज देने की बात करते हैं, पहले उनको सुरक्षित घर तो पहुंचाइए। और अंजना जी, अगर आप इस पे कभी बहस करना चाहे कि लॉकडाउन कैसे करना चाहिए तो आप एक विस्तृत बहस रखिएगा। ठीक है सर, मैं करूंगी, एक दिन अलग से इस पर बहस होनी चाहिए, क्योंकि ये पहली बार ऐसा आपातकाल आया है, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या इससे बेहतर कोई तरीका था। मेरा सवाल, लेकिन आप खुद कह रहे हैं करोड़ों से ज्यादा किया, आपने खुद बताया मजदूरों की संख्या, सर मुझे ये समझा दीजिए कि कितनी अवधि में इतने करोड़ मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचा, मतलब ये मानवता के सामने बहुत बड़ा संकट है, ये कह देना कि आप सुनियोजित तरीके से लोगों को पहुंचा देते, कितनी बसें, कितनी ट्रेनें अभी जबकि ये पहल कर दी गई है उसके बाद भी लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, वो मध्य प्रदेश हो, हर जगह वही परिस्थिति है। और मैं आपको बता रही हूँ, मेरे साथ भूपेश बघेल साहब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, वो कह रहे थे महाराष्ट्र से इतने मजदूर आकर बॉर्डर पर खड़े हैं, मैं उनको अंदर कैसे ले लूं, टेस्टिंग कैसे हो जाएगी। इधर पंजाब वाले कह रहे थे कि देखिए नांदेड़ साहिब से अचानक उन्होंने भेज दिया, मुझे लिखित में गलत कह दिया वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने, महाराष्ट्र के, उन्होंने कह दिया कि हमने 3 बार टेस्ट किया था जबकि उन्होंने टेस्ट किया ही नहीं था, नांदेड़ से आए हुए श्रद्धालुओं की वजह से पंजाब में ऐसे संक्रमण फैल गया। अब आप मुझे बताइए, यहां पर तो कोई बीजेपी नहीं है, इसीलिए पार्टी के नीचे लाकर इसको छोटा बनाने से बेहतर यह है कि हम समझें कि हर सरकार को भूमिका करनी होगी, और अब मैक्सिमम ट्रेनें जो चलाई जा सकती हैं उसकी पहल हर राज्य सरकार को करनी पड़ेगी कि हमें इतने लोगों को भेजना है। क्या मैं गलत कह रही हूं मनीष जी? अंजना जी, अगर आपने सरकार की वकालत खत्म कर ली हो तो मेरी बात मानवता की वकालत कर रही हूँ मनीष जी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, इसीलिए ये सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ हर तरह। बहुत पैशनेटली आपने सरकार की वकालत कर रही है, मैं आपसे कोई ओपन नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि पहली बार इस देश ने यह संक्रमण झेला है। 1947 में जब विभाजन हुआ था तो 2 महीनों में, और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत लोग बॉर्डर पे कट के मर गए,
जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे, हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे थे, और करोड़ों विस्थापित लोगों को 1947 से लेकर 1950 तक इस देश ने सेटल किया। उसके बाद 1971 में 25 मार्च 1971 को जब पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने अपना अत्याचार शुरू किया और 10 लाख लोग वहां से भाग के आए भारत में, तो वो जो भारत की सरकार थी, और मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाह रहा, आप भी जानते हैं किसकी सरकार थी, उस सरकार ने उन रेफ्यूजीज को संभाला, पाकिस्तान के दो टुकड़े किए और बाइज्जत उन सारे रेफ्यूजीज को वापस भेजा। तो ऐसा नहीं है कि इस देश में प्रशासनिक क्षमता नहीं है इस क्राइसिस को संभालने के लिए, पर इच्छा शक्ति की जरूरत है। इच्छा शक्ति की कमी है जैन जी। और बताइए, जो सुझाव है कांग्रेस पार्टी का पैसे सीधे ट्रांसफर करने का, वो क्यों नहीं कर पा रहे? वहां पर क्या दिक्कत है? क्योंकि उससे इन मजदूरों को सीधे परेशानी का खात्मा होगा, क्योंकि आखिर रोजी रोटी की ही चिंता तो इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। काम ठप पड़ा है, पैसा है नहीं, खाएंगे अंजना क्या? जी, मनीष जी ने हम अंजना जी मनीष जी ने हमें दोषी माना है। हम लोग दोषी हैं, हमारी सरकार दोषी है। लॉकडाउन को जिस प्रकार से हम लोगों ने चालू किया, लागू किया, उसके द्वारा लाखों करोड़ों की जिंदगी हम लोगों ने बचाई है। हम लोग उसके लिए दोषी हैं कि जिंदगी बचाई है हम लोगों ने, देश को हम लोगों ने बचाया, बिल्कुल हम उसके लिए दोषी हैं। बिल्कुल हम लोग विश्वास से कह सकते हैं कि ये हम लोगों ने काम किया, बिल्कुल सही किया। और जिस प्रशासनिक इच्छा शक्ति की बात करते हैं मनीष जी, उसके द्वारा ही आज के समय इतने दिन लॉकडाउन के बाद, 55 दिन हो रहे हैं लॉकडाउन वगैरह के, आज तक सब लोग लगभग ठीक ठाक हालत में हैं। ये सही है कि कुछ लोग हमारे भाई बहन सड़क पे हैं, दुखद हैं, उनके साथ बहुत हादसा की जा रही है। और मैं कह रहा हूं कि जैसे पूरा देश विभाजन के बाद मिलजुल कर जो रेफ्यूजी थे उन लोगों की देखभाल की गई, उसी तरीके से हम लोगों को इन भाइयों और बहनों की भी देखभाल करनी चाहिए। और उस समय चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, सब जगह कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन समाज एक था, एकजुट होकर उसने पूरा जो 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 हादसा हुआ था उसको संभाला और परिस्थितियों को संभाला। उसी प्रकार से हम लोगों को एकजुट होकर देशभक्ति के नाते हम लोगों को संभालना है। ये आज के समय टोका टोकी का मामला नहीं है। लेकिन जहां तक राहत पैकेज की बात है, जो मनीष जी कह रहे हैं कि हम लोगों ने डायरेक्ट मनी पैसे ट्रांसफर नहीं पर दिए मेरा हैं, वो सवाल था गलत सर, है। डायरेक्ट आर्थिक मनी विषयों पे ट्रांसफर हम पर लोगों मेरा की सवाल चर्चा था। होना चाहिए, जी, सीधा पैसा जाए उनके पास। वो जो हुआ है, राहुल वही गांधी वही का तो मैं कह कहना रहा है हूं कि अंजना जी, 13 करोड़ परिवार वही तो मैं साढ़े कह रहा सात हूं। हजार रुपए सीधा उनको दीजिए। हम लोगों ने 9 करोड़ परिवार जो हैं, जो किसान परिवार हैं, उन लोगों को तो मैंने बताई 10-11 हजार हम लोगों ने तो सिर्फ फसल के द्वारा, फसल बीमा योजना के द्वारा, किसान सम्मान निधि के द्वारा दिया है, फिर उस पे नरेगा, और फिर जनधन के द्वारा फिर 1500 और। तो ये सब मिला मिलू के अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कांग्रेस से बहुत ज्यादा हम लोगों ने पैसे सीधे लोगों के बैंक के खाते में डाल दिए हैं। और साथ सर, ये साथ बीजेपी और जो कांग्रेस राज्य की बात सरकार है है नहीं, वो भी मनीष इनको तिवारी राहत मुझ पहुंचा पर ही रही है। बरस पड़े, उनको लग रहा है मैं आपकी तरफ से बोल रही हूँ, आप कांग्रेस के से बेहतर अपने आप को बता रहे हैं। मैं तो ये पूछ रही हूँ सिर्फ कि चाहे वो महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, ये नजारा हाईवे का, सड़कों का, पांव में पड़े छालों का कब खत्म होगा? आप दोनों ही बता दीजिए कि तस्वीर कैसे बदलेगी। जैन जी, आपकी सरकार है केंद्र में, इसीलिए इस सवाल का जवाब आप ही को देना होगा कि ये तस्वीर ये क्यों नहीं रुक रहा। जहां बसे हैं और राज्य सरकार के पास बसे हैं, केंद्र सरकारों के पास बसे कम है, राज्य सरकार के पास हैं, जहां जहां राज्य सरकार बसों का साधन दे सकती हैं वो उसका साधन दें और लोगों को बसों पे लाएं, और कर भी रहे हैं। बहुत सारी सरकारें कर रही हैं, कुछ सरकारें नहीं कर रही हैं। और इसलिए मैं फिर इंसानियत के तौर पे मैं भीख मांगूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जहां जहां राज्य सरकार बस का साधन जो है दिलवा सके, उसको उपलब्ध करवा सके, उसे जरूर करें। जहां ट्रेन का वो साधन दे सकते हैं वो ट्रेन का साधन दे। ये सब छोड़िए ना कि भाई किसने क्या किया और कब किया, अभी तो इस बात को हम लोगों को संभालना चाहिए। ये तो बस मानवता की बात है इस समय, ये जो आपदा है इसको तो हम लोग खत्म करें, फिर हम लोग देखेंगे कि भाई किसने कब किया और क्यों किया। लेकिन जहां तक सड़कों पे जो प्रवासी मजदूर हैं उनका सवाल है, ये बहुत ही एक अर्जेंट, एक बहुत ही जरूरी काम है, अनिवार्य है कि इन लोगों को हम लोग इस समय ठीक बचाएं। है, एक एक जवाब इस पर मनीष तिवारी जी, फिर मैं आत्मनिर्भर भारत का जो एजेंडा रखा है सरकार ने उस पर चर्चा करना चाहती हूँ। मनीष जी, वो कह रहे हैं कि राज्य, कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपनी जवाबदेही से, जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, इसलिए ये हो रहा है।
अंजना जी, ये कोई जवाब नहीं हुआ। अगर केंद्र सरकार इसके बारे में संवेदनशील है, उसको एक मंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए केंद्र में, जिसकी सिर्फ ये जिम्मेवारी हो कि इन मजदूरों को कैसे घर पहुंचाया जाए। एनडीए में के तहत इनको हर राज्य सरकार को हिदायत देनी चाहिए कि जितनी बसेस आपके पास अवेलेबल हैं अपनी स्टेट में, अपने प्रदेश में, सारी बसेस को लगाकर अपने एक सरहद से दूसरी सरहद तक पहुंचाइए, दूसरी सरहद से उठा के अगली सरहद तक पहुंचाया जाए। क्योंकि जहां तक क्वारंटीन का सवाल है या टेस्टिंग का सवाल है, वो सब चीजें टूट चुकी हैं। वो काल्पनिक बात है आज की तारीख में, जब करोड़ों लोग सड़कों के ऊपर चल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो सड़क पे ना मरे, वो उनको वो ना कुचले जाए, आपके जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है केंद्र में, उसको नोडल मिनिस्टर बनाइए। उनको बोलिए कि राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेट करके अगले एक हफ्ते में भारत की सड़क पे जितने मजदूर चल रहे हैं उनको घर पहुंचाइए। अगर आप करना चाहते हैं, दिस इज द वे टू डू इट। ठीक है, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन इस पर जैन जी, वो सुझाव के साथ आए। अंजना जी, ये सब तो बड़ी बड़ी ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। आप झारखंड सरकार को बोल दीजिए कि हमारी हजारीबाग, रामगढ़ में, पूरे झारखंड में जो लोग चल रहे हैं उनको बस में बैठा के ले जाए जहां उनको जाना है। वो क्यों नहीं आपकी सरकारें कर रही हैं? जहां उत्तर प्रदेश में हो रहा है ये, लेकिन झारखंड में नहीं हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये झारखंड में नहीं हो रहा है। इतना बड़ा हम लोगों को काम करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी सरकारों को जो जिम्मेवारी है, जैसे आपने कहा जिम्मेवारी की बात हो सकती है, उनकी जिम्मेवारी है, वो करें, क्यों नहीं कर रहे हैं? अंजना जी, मैं एक बात कहूं, अभी तक बोलिए। तो जय सिन्हा जी केंद्र और राज्य सरकार की समन्वय की बात कर रहे हैं। जब मैं समन्वय के लिए सुझाव देता हूं तो उससे भाग जाते हैं। अगर झारखंड की सरकार ने भी करना है, अगर बिहार की सरकार ने करना है, उड़ीसा की सरकार की ने करना है, पश्चिम बंगाल की सरकार ने करना है, यूपी की सरकार ने करना है, जहां से ये सारे मजदूर ज्यादा तौर पे आते हैं, तो इन सरकारों को, केंद्र सरकार को इनसे समन्वय बना के, और जहां से ये पलायन कर रहे हैं उन प्रदेशों के साथ एक रणनीति तैयार की जानी चाहिए जिससे कि अपने घर पहुंच जाएं। क्यों भाग रही है केंद्र सरकार अपनी जिम्मेवारी से? आप एनडीएमए के तहत रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन तो यहां दिल्ली में बैठे हुए डिक्लेयर कर सकते हैं, पर इतनी जो बड़ी मानवीय त्रासदी हो रही है उसके बारे में आपकी आंखें बिल्कुल बंद हैं। जैन जी, मेरी आंखें बिल्कुल नहीं बंद हैं। इसमें सामान्य वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, कोई तालमेल की जरूरत नहीं है। मनीष जी, मैं जरा बोलूं, इसमें तालमेल वगैरह किसी चीज की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी बात इसको मत बनाइए, ये बहुत छोटी सी बात है। राज्य सरकार के पास बसें हैं, स्कूल बसें हैं, बहुत सारी बसें हैं, हम सब लोग जानते हैं। जो लोग सड़कों पे हैं उनको बस दिलवाइए, उनको बस पे बैठाइए और ले जाइए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें हम लोगों को कोई बड़ा मतलब समन्वय बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो हर सरकार, राज्य सरकार कर सकती है, राज्य सरकार करे। मैं तो इंसानियत की बात कर रहा हूं सिर्फ। राज्य सरकार कैंप खोले, राज्य सरकार हर सड़क पे लोगों को खाने पीने की व्यवस्था करे, लेकिन आज के समय झारखंड में ये सब नहीं हो रहा है मनीष जी। ये सब मनीष जी नहीं हो रहा है झारखंड में। क्यों नहीं हो रहा है? इसमें इसमें आप केंद्र इसमें आप केंद्र को लाने की जरूरत नहीं है। ये तो झारखंड सरकार का मामला है। जिसमें कुछ हो रहा है देश में, जो सब कुछ हो रहा है जैन जी, उसमें केंद्र सरकार की क्या कोई जिम्मेवारी नहीं है? ये कहना चाह रहे हैं आप? अगर ये कहना बिल्कुल चाह जिम्मेवारी है मनीष जी, और इसलिए इसका सीधा मैं बिल्कुल ये केंद्र सरकार मनीष की जी मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं, हमारे संवैधानिक लोकतंत्र में, हमारे संवैधानिक लोकतंत्र में ये जिम्मेवारी कुछ राज्य सरकार की होती है, कुछ केंद्र सरकार की होती है। केंद्र सरकार की जो जिम्मेवारी है उसके तहत राहत पैकेज दिया गया है राज्य सरकारों को, बहुत सारे SDRF, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के द्वारा उनको पैसे भी दिए गए हैं, जिसमें कि ये सब जो आपदा का जो काम है वो करे, ये उनको जिम्मेवारी दी गई है। हमारे पंचायतों को जिम्मेवारी दी गई, जिम्मेवारी हमारे संवैधानिक लोकतंत्र में 3 स्तर पे है, वो अच्छी तरीके से मालूम है। केंद्र सरकार कोई जाके पंचायत में काम कैसे कर सकती है? वो कैसे करेगी केंद्र सरकार की वो काम? वो तो पंचायत पंचायत सेवक मुखिया को काम करना है, वो राज्य सरकार को काम करना है। तो जिसकी जो जिम्मेवारी है वो बस भले अपना काम करे, तो ये बहुत कुछ जो हम लोग देख रहे हैं ये आज दूर हो जाएगा। मनीष, यही मैं कह रहा हूं कि इंसानियत के तौर पे ठीक है, मनीष जी रिएक्ट करना चाह रहे जो हैं। जरूरी काम है वो करें आप लोग। इसमें कोई आदेश देने के लिए, कोई कोऑर्डिनेशन करने के लिए जरूरत ही नहीं है। आप अपनी जिम्मेवारी तो निभाइए, जैसे हम और आप अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। हम लोगों को फोन आता है, हम लोग फोन लेते हैं, यही तो हमारी जिम्मेवारी, हम कर रहे हैं उसको। मनीष जी, मनीष जी, जैन जी, अंजना जी जो कह रही हैं,
उसका मतलब ये है कि इस देश में केंद्र सरकार की कोई जरूरत नहीं। अगर सारी जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है, राज्य सरकारों ने ही सारी चीज देखनी है, तो केंद्र सरकार की तो फिर इस देश में जरूरत नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मजदूर पंजाब से चल रहे हैं, झारखंड उनको जाना है, रास्ते में चार और सूबे पड़ते हैं, उनसे कौन समन्वय बनाएगा, उनको कौन पास थ्रू देगा, एक प्रदेश से के सी सरहद से दूसरे प्रदेश की सरहद तक बसें जब जाएंगी, आगे वहां से कितने कौन उठाएगा, क्या कैपेसिटी है हर स्टेट की ट्रांसपोर्ट करने की, उस हिसाब से अगली सरहद के ऊपर बसें कितनी लगनी है, इसमें क्या कोई कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है कि आप चाह रहे हैं कि जो मजदूर पंजाब से चला है और जिसको झारखंड जाना है, हजारीबाग जाना है, रास्ते में जितनी राज्य सरकारें आ रही हैं वो राज्य सरकारें अपने आप से समन्वय बनवा के उनको भिजवा दें, केंद्र सरकार को इसमें कोई लेना देना नहीं, केंद्र सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया। जैन जी, ऐसा कैसे केंद्र चले? सरकार जैन जी, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। और मैं आपको बता दूं कि आप ही की सरकार है झारखंड में। आप राहुल गांधी जी को कहें कि वो हेमंत जी को फोन करें, हेमंत जी सिर्फ एक पत्र जारी करें जो रेल मंत्रालय और पंजाब सरकार को जाएगा, श्रमिक स्पेशल चलेगी आपके ही अमृतसर से, वो पंजाब से चलेगी, हमारे ही रांची या हटिया आएगी, और जो श्रमिक जो रास्ते पे आपने जिनको चढ़ा दिया है वो श्रमिक स्पेशल से बिल्कुल सुविधाजनक तरीके से वो घर लौट जाएंगे। ये हेमंत जी क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए इतनी ठीक बड़ी इन लोगों ने ये एक हादसा क्यों खड़ी कर दी? क्योंकि मैं आपको आंकड़े बताता हूँ, ठीक है मनीष जी, 250 जवाब दे रहे ट्रेन हैं, चल रही मनीष है, जी बिहार की जवाब दे रहे 250 ट्रेन चल रही है, मैं आज आपसे पूछना झारखंड की चाहता हूँ, 48 ट्रेन चल रही है। एक एक रेलगाड़ी में ये बस की हमें बात करने की जरूरत एक ही नहीं, आप रेलगाड़ी ट्रेन चला में दीजिए। 1200 लोग जा सकते हैं, और उसके लिए भी आप उनसे किराया वसूल रहे हैं केंद्र सरकार, और आप यहाँ पे करोड़ों लोगों की बात कर रहे हैं, 2.5 से 3 करोड़ लोग या उससे ज्यादा सड़कों के ऊपर हैं, आपकी श्रमिक स्पेशल से वो क्लियर होने वाला नहीं है। यू नीड अ ह्यूज ह्यूमैनिटेरियन वॉर टाइम एफर्ट, दिस इज लाइक द बर्लिन एयरलिफ्ट। जैन जी आपने तो इतिहास पढ़ा है, जब दूसरे महायुद्ध के बाद सोवियत यूनियन ने बर्लिन को चारों तरफ से बंद कर दिया था, तो जो अलाइड सेना थी उन्होंने बर्लिन एयरलिफ्ट किया था, पूरी पूरे शहर को आपके स्टॉक करने के लिए, उनको राशन पहुंचाने के लिए। ये जो काम है ये वॉर एफर्ट में करने की जरूरत है। आप 3.5 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं उनको घर पहुंचाने की, आपकी श्रमिक स्पेशल उनको घर नहीं पहुंचा पाएगी, 1200 लोग बैठते हैं एक श्रमिक स्पेशल में। यही सवाल मैं भी मनीष जी कुछ देर पहले आपसे पूछ रही थी कि क्या ये मुमकिन ये है कि 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोगों को, जैसा आप बार बार बसों का जिक्र कर रहे थे, ट्रेन का जिक्र कर रहे थे, क्या इससे मुमकिन है ये? इसी सवाल पर आप मुझ पर गुस्सा गए थे, लेकिन यही वो सवाल है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। जो तस्वीर है सर वो रियलिस्टिकली एक्चुअली वॉर लेवल की, उस पर ये मुमकिन कदम है उठाने की जरूरत है, उसके लिए नए सिरे से सबको सोचना होगा। ये मुमकिन है अंजना जी, ये मुमकिन है। भारत के प्रशासन के पास भारत में वो क्षमता है कि इससे आप निपट सकें। हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हमारे पास हमारा स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, प्राइवेट बसेस हैं। दूसरे महायुद्ध में अपनी पूरी सेना को बिठा के विंस्टन चर्चिल डनकिर्क से प्राइवेट बोट्स में वापस लेके आए थे। लेकिन मनीष जी एक और काउंटर पॉइंट है आपकी बात पर। देखिए आपने इससे पहले भी दूसरे देशों में एयरलिफ्ट की बात कही, लेकिन ध्यान रखिए ऐसी परिस्थिति नहीं आई थी पहले। ये संक्रमण का खतरा है, लोगों का लोगों के साथ संपर्क संक्रमण फैलाता है, इसीलिए किसी भी पहले वाले एग्जाम्पल को कोट करके अचानक इसका हल निकाल देना बहुत सिंप्लीफाई कर देने के बराबर होगा। संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है इतने सारे मजदूरों के बीच। मैं आपसे इत्तफाक रखती हूँ, जब आप कह रहे हैं कि क्वारंटीन का टेस्टिंग का जो मामला है वो पहले ही बहुत पीछे छूट चुका है, जब वो मजदूरों को इतनी तादाद में देखते हैं। अंजना जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मजदूर सड़क पे चल रहे हैं बगैर पानी के, बगैर खाने के, आपने भी वो तस्वीरें देखी है उसमें कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग? जो अपना
50 लोग ट्रक पे चढ़ के चल रहे हैं, है उसमें कोई फिजिकल इससे मैं डिस्टेंसिंग? इतफाक रखती हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि ये बात सही है, लेकिन फिर भी अभूतपूर्व परिस्थितियां हैं। एक बार जल्दी से जैन जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं जैन जी, एक सेकंड रुक जाइएगा। मनीष जी आपके पास भी आ रही हूँ, एक बार जल्दी से सुना देते हैं राहुल गांधी का आरोप। राहुल गांधी का आरोप, एक सेकंड प्लीज जैन जी, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है उस पर बीजेपी का क्या जवाब है सुनिए, फिर फौरन आ रही हूँ आप दोनों के पास। जहां तक राहुल जी का ये बार बार कहना है और कई बार उन्होंने रिपीट किया कि भारतीय जनता के हाथ में पैसा भेजना चाहिए, ये जो पैसा है ये गरीबों के हाथ में जाना चाहिए, मैं बड़े सम्मान के साथ राहुल जी को कहना चाहूंगा कि राहुल जी जो काम 70 वर्षों में कांग्रेस पार्टी से नहीं हो पाया वह काम मात्र 6 वर्षों में मोदी जी ने करके दिखाया है। याद कीजिए आपके पूज्य पिताश्री भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं केंद्र से 100 पैसे भेजता हूँ, 1 रुपया भेजता हूँ, मगर जो गरीब के हाथ तक पहुँचती है वो मात्र 15 पैसे होते हैं, बाकी 85 पैसे रस्ते में बिचौलियों के कारण गुम हो जाता है। जो ब्रोकर्स होते हैं, जो दलाल होते हैं, वो रस्ते में कहीं ना कहीं पैसा मार जाते थे। आज बड़े ही खुशी से हम कह सकते हैं कि जो जैम ट्रिनिटी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में एक रिफॉर्म के रूप में लेकर आए, जिसके माध्यम से डीबीटी स्थापित हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्थापित हुआ, करोड़ों लोगों के खाते तक पैसा पहुंचा है। 6 साल उन्होंने इसीलिए कहा कि आज ही वो दिन थी जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी और 26 मई को फिर प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी। मनीष जी आपने सुना बीजेपी का ये कहना है, संबित पात्रा पीसी कर रहे थे, उनका कहना है कि बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको आप लोगों ने कभी नहीं स्वीकारा, और मनरेगा आपकी एक उपलब्धि जिसको न स्वीकारते हुए भी आज बीजेपी मान रही है। तो ये तो विरोधाभास की स्थिति है इस देश की राजनीति की, क्या गलत कह रही हूँ मैं? हाथ जोड़ के भारतीय जनता पार्टी से, इनकी सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सही चल रहा है, अगर आपका जैम सही चल रहा है, तो कृपया उसका इस्तेमाल करके जो 13 करोड़ लोग परिवार जरूरतमंद हैं उनके खाते में सीधे तौर पर पैसा डाल दीजिए। इस भ्रम में मत रहिए कि वो पैसा चला गया है, अगर लोगों को सहायता मिल जाती तो इतना बड़ा पलायन ना हो रहा होता। जो वास्तविकता है उसको समझिए, डोंट ट्राई एंड डिफेंड द इनडिफेंसिबल। जैन जी सीधा और स्पष्ट है उनकी बात, आपका जवाब। अंजना जी देखिए जो, हाँ जी मैं बताता हूँ, प्रवासी मजदूर जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को जैसे मैंने पहले ही आपको हिसाब दिया 10-11 हजार रुपए उन लोगों के बैंक के खाते में चला गया है। तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों को राहत नहीं मिल रही है, उनको राहत मिल रही है, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में, दोनों जगह केंद्र सरकार की जो जिम्मेवारी है। और जैसे अभी संबित जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे रिफॉर्म्स के कारण, हमारे सुधार के कारण डीबीटी के द्वारा ये पैसा अब सीधा उनके बैंक के खाते में जा रहा है और जा भी रहा है, उनको राहत मिल भी रही है। और मैं विनम्रता से मैं मनीष जी को कहूंगा कि आप करोड़ों की संख्या की बात कर रहे हैं, आज तक कोई इस पे अध्ययन ठीक ठाक नहीं हुआ है कि सड़कों पे आज कितने लोग हैं। जहां तक मेरे ख्याल है, मुझे नहीं लगता है कि करोड़ों लोग सड़कों पे हैं, बिल्कुल लाखों लोग हैं सड़कों पे। और जो आंकड़े कुछ इधर उधर जो प्रेस में आए हैं उसमें 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 नजर आया है, उसमें नजर आया है कि लगभग कुछ लाखों लोग हैं जो आज के समय सड़कों पे हैं। उन लाखों लोगों को जल्द से जल्द श्रमिक स्पेशल द्वारा, बसों के द्वारा हमें उन्हें घर पहुंचा देना चाहिए। घर में राहत उनके लिए इंतजार कर रही है और उनके लिए सब व्यवस्था हम लोगों ने तैयार किया हुआ है, जो भी केंद्र सरकार कर सकती थी ये हम लोगों को देखना है। लेकिन मनीष जी जो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि करोड़ों लोग अभी रास्तों पे हैं, ये मैं नहीं स्वीकार करने को तैयार हूं। आज तक किसी ने इसका अध्ययन करके सही वैज्ञानिक तौर पे नहीं बताया है कि कितने लोग सड़कों पे हैं। जो भी सड़कों पे दोनों ने इस पर अपना अपना जल्द से जल्द अपनी अपनी बात स्पष्ट कर दिया। अच्छा मनीष जी हाथ फिर उठा रहे, ठीक है मनीष जी छोटा सा रिएक्शन क्योंकि वक्त कम बचा है। एक बार में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए भारत का जो अभियान पीएम ने कहा है उस पर एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ, लेकिन ये नंबर्स पे जल्दी से आप अपनी बात कहें। अंजना जी सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, सवाल क्या कहते हैं 1 करोड़ और 10 लाख का नहीं है, अगर एक भी व्यक्ति सड़क पे है ये हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है कि उसको घर पहुंचाए।
तो इस बहस में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है कि करोड़ों लोग सड़कों पर है कि लाखों लोग सड़कों पर है, किसी को नहीं मालूम कितने लोग सड़कों पर है। पर ये सरकार होने के नाते हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है, क्योंकि सरकार के पास वो सारी सहूलतें हैं, उन सहूलतों का इस्तेमाल करते हुए उनको घर पहुंचाया जाए। चलिए ठीक है, मैं अब जल्दी से एक बार आत्मनिर्भर भारत अभियान जो पीएम इस आर्थिक पैकेज के जरिए छेड़ना चाहते हैं स्वदेशी का, कि हम इस वक्त को, इस त्रासदी को अवसर में बदल सकें देश के लिए, क्या उसके लिए जो इस वक्त किया जा रहा है, वो कहते हैं कि सीधे पैसे देने के बजाय अगर हम एमएसएमई सेक्टर में डालें, मजदूरों को भी पैसा दिया जा रहा है और अन्य भी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन एमएसएमई सेक्टर से शुरुआत करते हुए अगर हम सबल बनाएं अपने उद्योग जगत को तो आने वाले दिन में हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया मनीष जी। देखिए अंजना जी, भारत का कुल बजट 30,42,000 करोड़ रुपया है, भारत सरकार का, जो हमने 23 मार्च को संसद में पारित किया था। उसमें से 23 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू है वो सरकार कहती है टाइड अप, 7 लाख करोड़ का डेफिसिट है जो 3.5% बनता है बजट का। अब माननीय वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। मैं विनम्रता से वित्त मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं, और जयंत सिन्हा जी भी उस मंत्रालय में रहे हैं, कृपया करके आप मुझे समझाएंगे कि ये पैसा आएगा कहां से, कि क्या आप बोरोइंग करोगे मार्केट से, क्या आप डेफिसिट फाइनेंसिंग करोगे मतलब नोट छापोगे, क्या आप मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के पास जाके ऋण लोगे, इसको फाइनेंस कैसे करोगे, ये जो बड़े बड़े नंबर के गोले डाके जा रहे हैं रोज। ठीक है, आने वाले दिनों पे इस पे बहस हम करेंगे। जल्दी से जैन जी एक लाइन में जवाब, वक्त की बहुत कमी है, उनकी चिंता कहां से पैसा आएगा इसको लेकर जी ने, और बड़ी कुशलता से माने वित्त, पैसा बिल्कुल आएगा। जो हम लोग 8 लाख करोड़ की हम लोगों को बोरोइंग करना था, अब हम लोग उसका 12 लाख करोड़ कर रहे हैं, उसकी घोषणा हो चुकी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़ी कुशलता से इस आपदा को एक अवसर बना दिया है। कल हम लोगों ने कृषि क्षेत्र के लिए क्रांतिकारी हम लोगों ने सुधार लाए हैं, रिफॉर्म्स लाए हैं, उसके पहले एमएसएमई सेक्टर में किया था, आज फिर और कल भी माननीय वित्त मंत्री जी घोषणाएं करने वाली हैं। और इन सब के द्वारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम एक आत्मनिर्भर भारत बनाएं, एक ऐसा भारत बनाएं जो ग्लोबली कंपेटिटिव हो, जो पूरे विश्व में श्रद्धा को मानते हुए हम लोग सफल हो सकें, ये ऐसा हम लोग एक देश बना सकते हैं। और आज के समय लॉकडाउन की भी बात की थी मनीष जी, इस लॉकडाउन को हम लोगों ने पहले करके और लाखों और करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाकर आज हम लोगों ने अपने देश में और देशों के मुकाबले में बहुत आगे हम लोग इसको ले गए हैं। और अब जो आत्मनिर्भर भारत का जो रोडमैप माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी पेश कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके द्वारा मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग आगे और विश्व में बढ़ते चले जाएंगे। यहीं पर हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा। मनीष तिवारी जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बहस में जुड़ने के लिए, जयंत सिन्हा जी बहुत धन्यवाद आपका भी इस बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल तो बड़ी चुनौती यही है कि बीमारी से भी देश को बचाना है और आगे का रास्ता भी इस देश को मिलजुल कर ही तय करना है।